Hello friends, my name is Rahul. I'm coming back with a new tutorial that is binomial heap operation. Right, so till now हमने binomial heap की हर एक property को discuss किया कि binomial heap की कौन कौन सी property होती है, binomial tree क्या होता है, उसकी क्या properties होती हैं, उसमें आपने union operation कैसे perform करना है. So now I'm coming back with a next operation that is insertion. अगर आपने binomial heap में insertion करनी है तो कैसे करनी है, what are the various property. देखिए हमने previous video में union operation perform किया था, तो union operation का यहाँ पर use होगा जब आप किसी element को add करेंगे. So मैं element add करने से पहले आपको सबसे basic property revise करना चाहता हूँ जो हमने previous video में discuss की थी कि हमारे इस heap में binomial heap में total node कितने हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 right. तो 7 का binary क्या होता है, ये देखिए binary होता है 111, ये 111 होता है 7 का बाइनरी नंबर. तो जब हमने ये कैलकुलेट करना हो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ट्री कितने आएंगे, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपका B0 आ गया, ये B1 आ गया और ये B2 आ गया. तो अपने हीप में हम चेक करेंगे बिफोर इंसर्शन एंड आफ्टर इंसर्शन, हम दोनों साइड चेक करेंगे जो टोटल ट्रीज कितनी है राइट. अब बिफोर इंसर्शन आपके पास एक B1 होना चाहिए, ये देखिए B0 है यहाँ पर, यस है, ये देखिए सिंगल नोड है, सिंगल नोड को आप क्या बोलते थे B0, ये देखिए इसको मैं क्या बोलूंगा B0 हमारे पास है. उसके बाद B1 भी एक होना चाहिए, क्या मेरे पास B1 है, यस टू नोड का कॉम्बिनेशन है, तो ये आपके पास क्या है B1. तो नेक्स्ट एक B2 होना चाहिए, ये आपका B2 है गाइस. तो ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी. अब ये एक मैंने फिगर क्यों आप ये डिस्कस की, बिकॉज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जब हमने कोई नोड ऐड नहीं किया बिफोर इंसर्शन, हमारे पास टोटल बाइनोमियल ट्री कितनी है, 3 है, एक B0 है, एक B1 है, एक B2 है, और आफ्टर इंसर्शन क्या इंपैक्ट पड़ेगा राइट. तो फॉर एग्जांपल हमारा फोकस क्या है कि हमने एक इंसर्ट करना है, एक 14 एलिमेंट इंसर्ट करना है, और मान लो आपका हेड 2 है, ये है 14 राइट. इसको हमने क्या करना है, ऐड करना है, मान लो ये हीप 2 है राइट. अब अगर ये सिंगल नोड है तो ये भी क्या हुआ, B0 हुआ ना राइट. तो हमारे पास अब 2 हीप्स हैं, हीप 1 एंड हीप 2. तो हमने जब यूनियन ऑपरेशन किया था तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी आपने 2 हीप्स को यूनियन करना है या एलिमेंट ऐड करना है, तो सबसे पहले हम उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग उसे अरेंज करेंगे, उसके जो नोड है उसको डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे. तो अगर ये B0 का है तो हम देखेंगे हमारे ट्री में B0 कौन सा है, हमारे ट्री में है 13. तो 13 के बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, B0 जो आपके सेकंड हीप का है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा दैट इज 14 राइट. ये देखिए ये भी B0 है. उसके बाद B0, B1 एंड B2 राइट. अब इसका कोई लेना देना नहीं है तो हमने सीक्वेंस ऑर्डर में लिख दिए. अब ये भी B0 है, ये भी B0 है. तो अगर आपको यूनियन ऑपरेशन याद हो जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसमें हम क्या कहते थे, अगर दो नोड सेम डिग्री के हो राइट, ये एक्स है, ये नेक्स्ट एक्स है, ये सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट एक्स है राइट. तो अगर ये सेम डिग्री के हो, दोनों सेम है, लेकिन थर्ड जो सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट एक्स है ये सेम नहीं है, तो आप दोनों में से क्या करेंगे, जो नोड की वैल्यू ग्रेटर है उसको लेफ्ट, जो वैल्यू कम है, जिसकी की कम है उसके लेफ्ट में ऐड कर देंगे. अब जो 13 है वो लेफ्ट देन 14 है, तो मैं 14 को उठाऊंगा राइट. हम क्या करेंगे, ये क्या है आपका 14, तो मैं 14 को उठाऊंगा, इसके लेफ्ट में ऐड कर दूंगा. तो हमने 14 को उठाया, 14 को हमने यहां पर लिख दिया इसके लेफ्ट में, ये देखिए, तो मैं इसको हटा दूंगा यहां पर राइट. अब ये आपका क्या बन गया, अब ये B0 था, अब दो B0 को जब हमने कंबाइन किया तो ये क्या बन गया आपका B1 बन गया. अब B1 क्या है आपका एक्स है, ये क्या है, ये नेक्स्ट एक्स है. अगर हमने यूनियन ऑपरेशन आपने वीडियो देखा हो तो ये एक्स है, नेक्स्ट एक्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिबलिंग, सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट एक्स राइट. तो उसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि अगर आपका x इक्वल टू नेक्स्ट x है, ये देखिए इस, ये भी इसकी डिग्री भी b1 है, नेक्स्ट की भी डिग्री b1 है, तो दोनों सेम है, बट सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट x के इक्वल नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री b2 है. तो आप क्या करोगे, इनमें से ये देखोगे कि इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये 13 बड़ा है या 8 बड़ा है, इसकी की वैल्यू आइडेंटिफाई करोगे. तो दोनों की डिग्री सेम है लेकिन वैल्यू किसकी बड़ी है, 13 की,
तो आप क्या करोगे, 13 को उठाओगे, इस B1 को उठाओगे और B और जो नेक्स्ट एक्स है इसके लेफ्ट साइड में ऐड कर दोगे। तो जब हम ऐड करते होते हैं नेक्स्ट साइड पे, तो हम नेक्स्ट लेवल पर ऐड करते हैं, राइट। तो मैं 13 को उठाऊंगा, उसको यहां पर लिखूंगा, ये देखिए ये 13 हुआ आपका और ये हुआ 14। तो इसको हम ऐसे मर्ज कर देंगे और इसका कनेक्शन अब ब्रेक हो जाएगा, अब इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपका अब जो नेक्स्ट एक्स था वो आपका क्या बन गया, एक्स बन गया। इसको मैं नेक्स्ट हटा दूंगा, अब ये आपका क्या बन गया, ये एक्स बन गया, ये नेक्स्ट एक्स बन गया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बी वन है, अब ये बी वन से किस में कन्वर्ट हो गया, बी टू में हो गया। अब दोनों की डिग्री सेम है, दोनों की डिग्री जब सेम होती है तो हम फिर से वही कंपैरिजन करेंगे कि उसकी की वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे, क्या नेक्स्ट एक्स ग्रेटर है या एक्स ग्रेटर है। तो इसमें से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो 16 है, तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है उसको हम जो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम क्या है, 8। अब हम मिनिमम वैल्यू को ऊपर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी हम बाइनोमियल हीप करते हैं तो उसमें मीन हीप की प्रॉपर्टी डिस्कस करती है। मीन हीप का मीनिंग क्या होता है, जो रूट की वैल्यू ऑलवेज लेस देन होती है, इसलिए हम मीन हीप में 8 को ऊपर रखेंगे और जो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है सेम डिग्री की 16, इसको उठा के इसके लेफ्ट में रख देंगे। तो मैंने इसको इसके लेफ्ट में हम कैसे रखेंगे, 16 को उठाया, हम यहां पर लिख देंगे 16, ये देखिए हमने 16 लिखा और 16 का नोड क्या है, 33, ये हमने 33 लिख दिया। 16 के लेफ्ट साइड पे क्या था, 28, और इसका चाइल्ड क्या था, 14। सो यहां पे हमारा इसको कनेक्शन कर देंगे इसके रूट के साथ। अब इसका हमारे साथ लेना नहीं, लेना देना नहीं है, राइट। ये देखिए हमने इसको डिलीट कर दिया, अब हमारे पास एक सिंगल नोड रह गया, दैट इज 8। अब इसकी डिग्री क्या है, 1, 2, 3। अब इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी 3 होगी। ये देखिए चाहे लेवल आप चेक कर लो, ये 0 लेवल हो गया, ये 1 लेवल हो गया, ये 2 लेवल हो गया, ये 3 लेवल हो गया। अब मैंने आपको बताया था बिफोर इंसर्शन हमारे पास टोटल 7 नोड थे, उसका बाइनरी ये था और टोटल बाइनरी कितने, 3 कितने थे, 3 थे। अब हमने एक नोड इंसर्ट कर दिया, टोटल नोड कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 का डेसिमल क्या होगा, सॉरी 8 का बाइनरी क्या होगा, 8 का बाइनरी आपका होता है आपका बाइनरी होगा 1000, राइट। क्या होगा, 1000। तो यहां पर जी 2 raise to power 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, यस 8 आ रहा है, लेकिन यस 8 आ रहा है। तो अब 8 का मीनिंग क्या है, आपके पास B0, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, इट मीन 1 कहां पर है, B3 के आगे है। तो आपके पास सिंगल बाइनोमियल ट्री होना चाहिए, उसकी डिग्री क्या होना चाहिए, B3, कि आपके पास B3 है। ये देखिए तब मैंने दोनों को ऐड किया था, तो ये B2 किस में कन्वर्ट हो गया था, B3 में। इसके आप लेवल चेक कर सकते हो, 0, 1, 2, 3। तो गाइस ये अगर आपने ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही आ रही है तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो आपने इंसर्शन किया, इंसर्शन के बाद आपकी बाइनोमियल हीप बनी वो तो बिल्कुल करेक्ट है, राइट। इस प्रॉपर्टी को याद रखना, हमने प्रीवियस वीडियो में भी कवर अप किया था। तो आई थिंक हमने इंसर्शन ऑपरेशन हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। और एक और चीज, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होती है, लोग है, राइट। क्या होती है, लोग है। अब एन का मीनिंग होता है टोटल नोड्स, अब मान लो टोटल नोड कितने हैं, 8 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये लिखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा लोग 8। अब 8 कैसे बनेगा, 8 बनेगा 2 raise to power 3 से। इट मीन इस बाइनोमियल हीप में टोटल कितने लेवल होंगे, 3 लेवल होंगे और 3 ही आ रहे हैं, तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, लोग है। तो गाइस आई होप ये आपको वीडियो क्लियर होगा, इंसर्शन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप कोई भी एग्जाम्पल उठाइए आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे एक्सट्रैक्टिंग मिनिमम की। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सट्रैक्टिंग की, एक्सट्रैक्टिंग मिनिमम की ऑपरेशन। तो इससे पहले हमने इंसर्शन किया, तो नेक्स्ट ऑपरेशन हम करेंगे एक्सट्रैक्टिंग मिनिमम की। हमारे पूरे बाइनोमियल हीप में से ऐसी कौन सी मिनिमम की है जिसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है, इससे इस ट्री से अलग करना है। तो हमें पता है कि हमें इसमें मीन की प्रॉपर्टी होती है, जो रूट होता है वो सबसे मिनिमम होता है। तो ये देखिए 13 हो गया, 8 हो गया, 15 हो गया, राइट। तो ये क्या है, रूट लेवल है।
तो सबसे मिनिमम रूट कौन सा है हमारा, 8। तो अगर मैं 8 को रिमूव कर दूंगा तो हमारे बाइनोमियल ट्री की स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, हमारी बाइनोमियल हीप की प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगी या नहीं, और उसको आपने मेंटेन कैसे करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अब सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है रूट में, दैट इज 8। तो हम 8 को एक्सट्रैक्ट कर देंगे, अलग कर देंगे, तो उसके बाद स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा, कुछ ऐसे देगा। ये देखिए हम सबसे पहले क्या लिखा हुआ 13, तो हमने 13 को बिल्कुल वैसे लिखा, ये हमारा B0 है। अब A तो रहा नहीं, राइट, और अगर पेरेंट नहीं रहा तो उसका चाइल्ड अकेला रह गया, दैट इज 16। तो मैं A की जगह पर यहां पर क्या लिख रहा हूं, 16। तो ये भी क्या है, एक B0 है, राइट। अब यहां पर क्या है 15, तो 15 को मैंने बिल्कुल डिटो वैसे ही लिखा जैसे इसका स्ट्रक्चर है। तो 15 का लेफ्ट क्या है 28, तो मैंने यहाँ पर 28 लिख लिया, और 28 का आगे क्या है सब्जेक्ट, दैट इज 40, और इसको हमने लिंक कर दिया। तो ये कौन सा नोड है, ये आपका है B2। तो टोटल हमारे पास कितने ट्री है, B0 B0 एंड B2। तो गाइस अभी हमने डिस्कस किया यूनियन ऑपरेशन में भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो की, इंसर्शन में भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। अब इसको मैं लेफ्ट टू राइट आगे प्रोसीड करूंगा। अब ये दोनों सेम डिग्री के हैं, B0 एंड B0, ये दोनों सेम है। इसको मैं x अज्यूम करूंगा, इसको नेक्स्ट अज्यूम करूंगा, ये क्या है सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट। अगर x एंड नेक्स्ट दोनों सेम है और सिबलिंग नेक्स्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अगर दो नोड सेम डिग्री के हैं तो हम देखते हैं उनमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, उसको उठाते हैं और मिनिमम वैल्यू के लेफ्ट में ऐड कर देते हैं। तो 13 एंड 16 में ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है 16, तो मैं 16 को उठाऊंगा, इसके लेफ्ट में ऐड कर दूंगा, इसके नेक्स्ट लेवल पर ऐड कर दूंगा। ये देखिए, तो ये आपका क्या हो गया 16, मैंने यहां पर ऐड किया, ये यहां पे ब्रेक हो गया, तो इसका कनेक्शन कुछ ऐसे बन जाएगा, राइट। अब ये B0 से इसमें कन्वर्ट हो गया, B1 में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब ये क्या है B1, ये B2, ये डिफरेंट टाइप के हैं, आपस में इक्वल नहीं है, तो इसके आगे हम प्रोसीड नहीं कर सकते। हम पॉइंटर अगर एक्स यहां पर था तो एक्स अब नेक्स्ट लेवल पर मूव कर जाएगा, तो इसके आगे हम इसको प्रोसीड नहीं करेंगे, ये हमारी बाइनोमियल हीप होगी। हमने इसमें क्या लर्न किया कि आप किसी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हो, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने सेम प्रॉपर्टी फॉलो करनी है जो हमने यूनियन ऑपरेशन में परफॉर्म की थी, राइट। तो ये आपकी कौन सा ऑपरेशन था, एक्सट्रैक्टिंग मिनिमम की। अब आप सोचो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक्सट्रैक्टिंग मिनिमम की का पर्पस कहां पर ज्यादा यूज होगा, जब हम नेक्स्ट ऑपरेशन में डिलीट ऑपरेशन करेंगे, अगर हम किसी एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो वहां पर एक्सट्रैक्ट मिनिमम एलिमेंट का यूज होगा, राइट। तो अभी तक हमने कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए, हमने यूनियन ऑपरेशन डन किया, इंसर्शन ऑपरेशन डन किया, और फिर अभी हमने किया एक्सट्रैक्टिंग मिनिमम की। अब नेक्स्ट हम ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करेंगे, दैट इज डिलीट ऑपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिलीट ऑपरेशन। तो गाइस अगर आपने आपके पास कोई बाइनोमियल हीप है, उसमें से आपने किसी एलिमेंट को डिलीट करना है, तो आप कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने पूरे बाइनोमियल हीप में से 40 एलिमेंट है जिसको डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल, राइट। तो 40 को कैसे डिलीट करेंगे, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे कि अगर आपने किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो पूरे ट्री की मिनिमम वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देंगे, राइट। अब या तो मैं किसी मिनिमम वैल्यू के साथ रिप्लेस करूं, या फिर मैं अपनी तरफ से भी कोई वैल्यू अज्यूम कर सकता हूं जो सबसे मिनिमम हो, राइट। तो मैं किसी के साथ रिप्लेस नहीं कर रहा, मैं एक वैल्यू अज्यूम की फॉर एग्जांपल -10, राइट। तो मैंने 40 को किसके साथ रिप्लेस कर दिया, -10 के साथ। ये देखिए 40 डिलीट हो गया और यहां पर क्या आ गया -10, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है पूरे बाइनोमियल हीप में। अब हमें यह भी पता है कि बाइनोमियल हीप में कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है, हमारे पास फॉलो होती है मीन हीप की। मीन हीप की प्रॉपर्टी क्या है, रूट की वैल्यू और मैचा लेसन होगी अपने दोनों चाइल्ड से, लेकिन यहाँ पे 28 तो ग्रेटर है अपने चाइल्ड से, तो हम क्या करेंगे दोनों को रिप्लेस कर इंटरचेंज कर देंगे, राइट। तो 10 -10 28 की जगह आ जाएगा और ये यहाँ पर -10 आ जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा -10 और यहाँ पर हमने क्या कर दिया 28। अब आगे चेक करेंगे अगेन ये प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है, -10 क्या है लेस देन है अपने पेरेंट से, लेकिन मीन हीप की प्रॉपर्टी तो फॉलो नहीं हो रही, मीन हीप में क्या है पेरेंट लेस होना चाहिए, तो मैं इसको अगेन इंटरचेंज कर दूंगा, राइट। तो -10 की जगह यहाँ पर 15 आ जाएगा और 15 की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा -10। तो गाइस यहां तक तो हमने प्रोसीड कर दिया, आपका 40 डिलीट भी हो गया, बट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आपने -10 तो हमारी हीप का पार्ट था ही नहीं, ये तो हमने अज्यूम किया था।
अब हम क्या करेंगे, इस माइनस 10 को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था। हमने क्या डिस्कस किया था, एक्सट्रैक्ट मिनिमम की। तो इसको अब सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम। यहाँ पर सबसे मिनिमम की कौन सी, आपकी माइनस 10 जो कि रूट नोड पर है, तो हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एक्सट्रैक्टिंग मिनिमम की। सो अगर एक्सट्रैक्ट मैं कर लेता हूं माइनस 10 को, तो इसके जो दोनों चाइल्ड है वो कहां जाएगी उसकी, तो उसको तो देखने वाला कोई नहीं ना, क्योंकि माइनस 10 तो उसका पेरेंट है। अगर पेरेंट ही जाए तो चाइल्ड की केयर कौन करेगा, तो चाइल्ड को हम उसके ऊपर वाले लेवल पर शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए कैसे, सबसे पहले क्या है 13 को, 13 को हमने बिल्कुल वैसे लिखा जैसे लिखा हुआ है, ये क्या डिग्री है B0, फिर 8 लिखा, 8 का क्या है आगे 16, अब ये इसका कनेक्शन इसके साथ ये कौन सा है B1, राइट। अब हमारे पास 10 तो रहा नहीं, तो 15 एंड 31 अपने पेरेंट की प्लेस पर आ जाएंगे। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे 15 लिखा, 15 का चाइल्ड क्या है 28, अब ये कौन सा नोड बन गया, ये आपका बन गया B1। उसके बाद है आपका 31, ये इंडिपेंडेंट है, राइट, ये आपका कौन सा है B0। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये बाइनोमियल ही बन गई एक्सपेक्टिंग मिनिमम एलिमेंट की। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यूनियन ऑपरेशन की प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। तो हमने ये चीज लर्न की थी कि जब भी आप कुछ इस तरह की ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो डिग्री असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। देखो यहाँ पे सबसे पहले B0 है और B0 सबसे लास्ट में है, तो पहले तो मैं इसको सोल्व करूंगा, असेंडिंग ऑर्डर में करूंगा। तो पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, हमने यहाँ पर क्या लिखा 13, ये B0 है, उसके बाद इसको उठा के आगे कर दिया, ये देखिए, तो ये क्या बन गया B0। उसके बाद ये बिल्कुल सेम वैसे ही दिख देंगे 18 एंड 16, ये आपका बन गया B1, और देन आगे आपका 15 एंड 28, राइट, तो ये भी आपके आ गया B1। तो इसको हम लिंक कर देंगे आपस में, राइट। अब फिर से सेम प्रॉपर्टी, क्या आपका एक्स, ये क्या हुआ नेक्स्ट एक्स, ये होगा सिब्लिंग ऑफ एक्स। क्या जब दो नोड सेम डिग्री को हो तो हम क्या करते हैं, जो ग्रेटेस्ट की वैल्यू होती है उसको उठा के स्मॉलेस्ट की के लेफ्ट में रख देते हैं। हमने काफी बारी ऑपरेशन परफॉर्म किया, अब आपको क्लियर भी हो गया होगा। तो दोनों सेम डिग्री के हैं, B0 B0, तो 31 को मैं उठाऊंगा और 13 के लेफ्ट में लिख दूंगा, कुछ ऐसे करते हैं। ये देखिए, तो ये इसका कनेक्शन यहाँ पर ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर B0 नहीं रहा, लेकिन ये B0 किसमें कन्वर्ट हो गया B1। अब तीनों सेम डिग्री के हैं। अगर आपने यूनियन ऑपरेशन की प्रॉपर्टी याद हो, अगर एक्स नेक्स्ट एक्स सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट एक्स अगर तीनों सेम है तो आप क्या करते हो, पॉइंटर आगे मूव कर देते हो। सपोज यहां पर पॉइंटर क्या था, ये आपका एक्स था, ये आपका क्या था नेक्स्ट एक्स, ये आपका क्या था सिबलिंग, सिबलिंग किसका नेक्स्ट एक्स का। तो अगर तीनों की डिग्री सेम है तो मैं आपका पॉइंटर को मूव आगे कर दूंगा। अगर एक्स यहां पर है तो एक्स अब यहां पर हो जाएगा, तो मैंने एक्स क्या इसको डिलीट किया और ये अब एक्स यहां पर बन गया, और ये सिबलिंग नहीं रहा, ये नेक्स्ट एक्स बन गया, राइट, ये क्या बन गया आपका नेक्स्ट एक्स। मैं इसको थोड़ा क्लियरली मेंशन कर देता हूं, ये देखिए नेक्स्ट एक्स। अब हमारा पॉइंटर यहां पर है एक्स, क्या ये दोनों सेम डिग्री है, क्या एक्स एंड नेक्स्ट एक्स इक्वल है, यस इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो हम की वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उसको उठा के जो स्मॉलेस्ट रूट होगा उसके लेफ्ट में ऐड कर देंगे नेक्स्ट लेवल पर। तो 8 और 15 में ग्रेटेस्ट कौन सा है 15, इसको उठाऊंगा 8 के लेफ्ट में ऐड कर दूंगा उसके नेक्स्ट लेवल पर, ये देखिए कुछ ऐसे करेंगे, यहां पर क्या आ गया आपका 15 आ जाएगा, 15 इसका क्या है आगे चाहे 28, तो इसको हम कुछ ऐसे लिंक कर देंगे और इसका यहाँ पर कनेक्शन ब्रेक हो गया, ये देखिए अब यहाँ पर कुछ नहीं है। तो अब ये B1 था, तो B1 से ये क्या हो गया B2 हो गया, राइट। तो अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, अब ये एक्स ही रह गए हमारे पास, अब ये हमारी फाइनल क्या है बाइनोमियल हीप है आफ्टर डिलीशन। तो देखिए डिलीशन करने के दो प्रोसेस थे, पहले तो हमने डिलीट किया, फिर हमने एक्सट्रैक्ट मिनिमम किया, इसलिए हमने प्रीवियस ऑपरेशन कौन सा लर्न किया था एक्सट्रैक्ट मिनिमम की, राइट। अब टोटल नोड देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 का बाइनरी कोड क्या होता है, ये देखिए 6 का बाइनरी कोड क्या होता है 110। अब इसमें B0 कितने होंगे 0, B1 एंड B2,
बी जीरो तो कोई नहीं होगा, बी वन एक होना चाहिए, बी टू एक होना चाहिए। ये देखो हमारे पास एक बी वन है एक बी टू है, तो इससे क्या क्लियर होता है कि जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म की है वो तो बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस ये थे आपके पास ऑपरेशन कि आपने बाइनोमियल हीप के ऑपरेशन आप कैसे परफॉर्म करते हो, राइट। तो आई होप अगर आपने ये सारे ऑपरेशन लर्न कर लिए हैं, उसकी प्रैक्टिस कर ली है, तो इसके बाद इसमें इसके बाद लास्ट एक ऑपरेशन बचता है कि अगर आपको एलिमेंट गिवन हो तो आप अपनी बाइनोमियल हीप कैसे बिल्ड करोगे। बिकॉज अब आपको हर एक प्रॉपर्टी का आइडिया हो गया है कि आपने यूनियन कैसे करना है, आपने किसी एलिमेंट को इंसर्ट कैसे करना है, एक्सट्रैक्ट मिनिमम कैसे निकालना है, किसी एलिमेंट को डिलीट कैसे करना है, बाइनोमियल नोड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग। अब इसके बाद हम क्या लर्न करेंगे, हमारे पास सेट ऑफ गिवन एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट को हम अरेंज करेंगे बाइनोमियल हीप। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट बाइनोमियल हीप यूजिंग दीस एलिमेंट। हमारे पास कुछ एलिमेंट गिवन है, फॉर एग्जांपल 8, 3, 5, 18, 2, 12, 7, 9, 16, 11 एंड 21। तो हमने इन एलिमेंट की हेल्प से क्या करना है, एक बाइनोमियल हीप को बिल्ड करना है, राइट। सेकंड ऑपरेशन हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपकी बाइनोमियल हीप बिल्ड होगी तो सेकंड हम करेंगे इंसर्ट एलिमेंट 6, तो उसमें एक एलिमेंट 6 ऐड भी करेंगे, ये सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। थर्ड आपने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट मिनिमम की, ये भी हम कर चुके हैं, इसको इस बाइनोमियल हीप को इंसर्शन के बाद हम एक्सट्रैक्ट करेंगे मिनिमम की। तो लेट्स स्टार्ट, हम कैसे इसको करेंगे, बिल्कुल इजी है। जितने भी आपने ऑपरेशन अगर अच्छे से लगते हैं देन यू कैन इजीली बिल्ड दिस हीप वेरी इजीली, राइट। अब सबसे पहले क्या है, ए, तो मैंने यहाँ पर क्या ऐड किया, हमने यहाँ पर ऐड किया ए, राइट। हमने यहाँ पर क्या किया, ऐड कर दिया। अब ये ए क्या है, बी जीरो है, राइट। उसके बाद क्या आया, 3, तो 3 इस हमने यहाँ पर ऐड किया, ये देखिए, तो ये भी बी जीरो है। अब हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दोनों का हम अगर दोनों सेम लेवल के हैं, राइट, सेम डिग्री के हैं, तो उनमें से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो मिनिमम के लेफ्ट में आ जाएगी या उसके नेक्स्ट लेवल पर आ जाएगी। तो 8 यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम कनेक्ट कर देंगे, तो अब ये बी जीरो से क्या हो गया, बी वन हो गया। अब उसके बाद क्या आया, आपके पास 5 आया, राइट, तो 5 मैंने यहाँ पर ऐड किया। अब 5 क्या है आपका, बी जीरो है, राइट, बी जीरो है। उसके बाद 18 आया, अब 18 क्या है, ग्रेटेस्ट है 5 से, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, ये बी जीरो, राइट, बी जीरो। अब 5 और 18 दोनों सेम लेवल के हैं, सेम डिग्री के हैं, तो ग्रेटेस्ट कौन सा है, 18 है, तो मैं 18 को उठाऊंगा 5 के लेफ्ट में ऐड कर दूंगा। तो ये देखिए, तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये देखिए, तो ये बी जीरो से क्या हो गया, बी वन, और इसका हम डिलीट कर देंगे इसको, तो अभी हमारा 18 तक ट्रेवर्स हो गया, राइट। अब बी वन ये भी जब दोनों सेम डिग्री के हैं, तो दोनों सेम डिग्री के हैं, तो उसकी की के साथ कंपैरिजन होगा, राइट। अब तो कैसे होगा, 5 ग्रेटेस्ट है या 3, तो 5 है ना, तो 5 को उठाएंगे हम 3 के लेफ्ट में ऐड कर देंगे। लेफ्ट में ऐड करने का मीनिंग क्या है, उसके नेक्स्ट लेवल पर ऐड कर देंगे। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, यहां पर आएगा आपके पास 5, ये देखिए, और इसका चाइल्ड क्या है, 18। तो अब इसका कनेक्शन किसके साथ बनेगा, इसका कनेक्शन बनेगा 3 के साथ, ये देखिए ऐसे। अब ये B1 से क्या हो गया, B2 हो गया। तो गाइस हमारा लास्ट एलिमेंट क्या था, 18, हमने इसको भी प्रोसीड कर लिया था, अब हमारे पास है 2। 18 के बाद क्या है आपके पास, 2, तो हमारे पास यहां पर क्या आया, हमारे पास यहां पर आया 2, ये देखिए। अब यहाँ पर मेरे पास थोड़ी स्पेस कम हो रही है, तो मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ, राइट, मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, 3, 8, और इसका चाइल्ड था 5, 5 था 18, ये देखिए, ये हमारे पास क्या था, B2, तो मैं इसको रखता था, राइट। अब मेरे पास उसके बाद आएगा 2, तो 2 को मैं यहाँ पर लिखूंगा। अब 2 आपका क्या है, B0 है, राइट, तो 2 का कोई कनेक्शन नहीं है, हाँ रूट के साथ हम कर सकते हैं, लेकिन 2 के बाद क्या आ रहा है आपके पास, 12 आ रहा है, राइट। अब 12 को लिखा, अब 12 भी सिंगल नोड है, ये भी B0 है, तो दोनों का आप जब आप देखेंगे दोनों सेम डिग्री के हैं, तो ग्रेटेस्ट क्या है, 12, तो 12 को मिनिमम जो रूट है 2 उसके लेफ्ट में ऐड कर देंगे, तो 12 को मैंने लिखा यहां पर, ये देखिए। तो जैसे मैंने लिखा, B0 डिग्री किसमें कन्वर्ट होगी, B1 में होगी। अब राइट, अब ये B1 है, ये B2 है, राइट, डिफरेंट डिग्री के हैं, तो हमारा 12 तक हो गया। अब आया आपके पास 7, तो मैंने 7 यहां पर लिखा, ये B0 का है,
इसको मैंने ऐसे कनेक्ट किया, फिर आया मेरे पास 9 9 b, अब b 0 है, अब दोनों में कौन सा ग्रेटेस्ट है, 9 है, तो 9 को मैं मिनिमम वैल्यू के लेफ्ट में ऐड करूंगा, तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। बी जीरो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, b1 में हो जाएगी, उसको हम डिलीट कर देंगे। तो गाइस आप पीछे देखिए, b1 b1 सेम डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, और ये एक्स है, ये नेक्स्ट एक्स है, ये सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट, ये इक्वल नहीं है, देखो ये दोनों तो सेम है, सेम डिग्री के हैं, लेकिन जो सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट एक्स है वो इक्वल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो सेम डिग्री के हैं उसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ग्रेटेस्ट की है, उसको उठाएंगे मिनिमम के लेफ्ट में ऐड कर देंगे। अब 2 और 7 में ग्रेटेस्ट कौन सा, 7, इसको उठाएंगे तो इसके लेफ्ट में कुछ ऐसे ऐड कर देंगे, चाइल्ड क्या है 9, इसका कनेक्शन ऐसे बन जाएगा और उसको हम रब कर देंगे, राइट। तो जैसे ही हमने इसको ब्रेक किया, इसके साथ ऐड किया, तो b1 किस में कन्वर्ट हो गया, b2 में हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये भी b2 है, ये भी b2 है, तो सेम डिग्री है, अगेन उसका t का कंपैरिजन होगा, राइट। अब 2 ग्रेटेस्ट है या 3 है, ऑब्वियसली 3 है, तो जो नेक्स्ट एक्स 3 है, इसको मैं उठाऊंगा मिनिमम रूट के की के नेक्स्ट लेवल पर ऐड कर देंगे। मैंने इसको उठाया और यहाँ पर ऐड कर दिया, 3 का चाइल्ड क्या है 8 हमने दिया, और इसका लेफ्ट क्या है, इसका है लेफ्ट 5 का क्या है आगे 8। ये देखिए, अब मैं इसको क्या करूंगा, रब कर दूंगा यहाँ से। अब इसका हम क्या करेंगे, लिंक कर देंगे रूट के साथ। अब ये b2 था, 2b2 ऐड हुए तो क्या बन जाएगा, b2 का कॉम्बिनेशन क्या होता है, b3, राइट। अब हमने कौन सा एलिमेंट लेटेस्ट ऐड किया था, हमने किया था आपका 9 हो गया था, राइट। तो 9 करने के बाद हमारे पास ये ऑपरेशन बना था, तो 9 के बाद अब हमारे पास क्या आएगा, 16, राइट। तो 16 कहां पर ऐड होगा, ऑब्वियसली यहां पर ऐड होगा, ये देखिए, ये भी b0 है, 16 के बाद क्या है 11, ये देखिए। अब दोनों सेम डिग्री के हैं, ये भी b0 है और ये भी b0 है, राइट। तो 16 कहां पर ऐड होगा, इसके लेफ्ट में, ये यहां, तो इसको मैं रब कर दूंगा। अब b0 कन्वर्ट हो गया b1 में, इसका लिंक इसके साथ बन गया 11 एंड 16। तो अब रह गया लास्ट एलिमेंट, दैट इज 21। तो 21 कहां पर होता है, मैं इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट करता हूं स्पेस की वजह से। ये देखिए, ये कुछ हमारे पास नोड स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, राइट। 21 सही है यहां तक, तो हम 21 यहां पर ऐड कर देते हैं। ये आपका क्या हो गया, b0 हो गया, क्या हो गया, b0 हो गया यहाँ पर। तो ये 21 है, ये b0 है, ये आपका क्या है, b1 है, और ये b3 है। तो टोटल नोड कितने हो गए, देखिए सारी की सारी बिल्ड हमने बाइनोमियल ही बिल्ड करती है जितने भी एलिमेंट थे, राइट। अब हमने क्या करना है, ये 21 यहाँ पर है, आई थिंक आपको ये विजिबल नहीं हो रहा होगा ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, तो इसको थोड़ा सा हम फिर से रीड्रॉ करते हैं, क्योंकि इसके आगे भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, हमने इंसर्ट भी करना है 6 को। तो ये यहाँ पे 2 था और यहाँ पर क्या था 12, राइट। उसके बाद क्या था, इसका एक चाइल्ड था दैट इज 7, और 7 का आगे था 9, उसके आगे क्या था 3 एंड 8, और ये किसके हैं, सभी रूट के साथ कनेक्टेड हैं। एंड 3 का आगे क्या था, आपके पास था 5 एंड 18, 5 एंड 18, ओके। तो अब ओनली हमारे पास क्या रहेगा, इसको हम डिलीट कर देंगे जितना भी है हमारे पास, तो इसको हमने डिलीट किया, हमारे पास क्या रहेगा 11 एंड 16 था, इसको मैंने क्या लिखा 11 एंड 16, और उसके बाद हमारे पास था 21। तो ये हमारा फाइनल बाइनोमियल ही बन के आया था। अब हम इसको मैं क्या कर दूंगा, रब कर दूंगा, अब आपको क्लियरिटी अच्छी हो रही होगी, राइट। तो अब ये आपका क्या बन गया b0, ये आपका क्या बन गया b1, और ये आपका वैप क्या बन गया b, ये b1 b2 b ये b3 बन गया, राइट, b1 0 1 2 3, तो टोटल नोड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, राइट। अब 11 का क्या डेसिमल बनता है, सॉरी बाइनरी क्या बनता है, मैं फिर से काम कर रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ये देखिए 11 को आप कुछ ऐसे कैलकुलेट करोगे, 2 × 4 यहाँ पर भी 1 आया, राइट, इसको भी करोगे तो यहाँ पर क्या आया 1 आया, गॉट इट,
ये देखिए यहाँ पर जीरो आया, वन इंटू वन रिमाइंडर आपके पास क्या आया, जीरो आया, राइट, जीरो। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर तो आपका क्या बन गया, बॉटम टू ओपन कंसिडर करेंगे तो इलेवन का क्या आपके पास बना, इलेवन का आपका बना 1011। आपके पास एक क्या होना चाहिए, बी जीरो होना चाहिए, एक बी वन होना चाहिए, एक बी थ्री होना चाहिए। आपके पास बी जीरो है, यस है, बी वन है, यस है, बी थ्री है, यस। तो इट मीन्स हमारी जो बाइनोमियल हीप है बिल्कुल करेक्ट बनी है, राइट। तो इस प्रॉपर्टी से आप आइडेंटिफाई करते हो कि आप जो भी परफॉर्म कर रहे हो वो सही है या नहीं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करते हैं, राइट। अब हमारी बाइनोमियल हीप बन चुकी है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना था, सिक्स को ऐड करना था। सिक्स कैसे होगा, मान लो सिक्स ये है, ये मैंने सिक्स ऐड कर दिया। अब ये क्या है, बी जीरो हुआ ना, तो दोनों में देखेंगे ये 21 है, तो कौन सी ग्रेटेस्ट वैल्यू है, 21। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 6, तो 6 के लेफ्ट में हम ऐड कर देंगे, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये देखिए 21। अब इसका आ जाएगा और ये बी जीरो से क्या बना, बी वन बन गया। अब ये भी बी वन है, ये भी बी वन है, दोनों सेम डिग्री के हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू का कंपेरिजन करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट एक्स तो सेम नहीं है ना, उसकी तो डिग्री बी थ्री है, इन दोनों की डिग्री बी वन है। तो इनमें से 11 ग्रेटेस्ट है, इसको मैं उठाऊंगा, इसके लेफ्ट में ऐड कर दूंगा कुछ ऐसे, ये देखिए ये कुछ ऐसे कर देंगे और ये इसका कनेक्शन यहां पर ब्रेक हो गया, राइट। ये कुछ ऐसे हो जाएगा और ये बी वन से क्या बन गया, बी टू। अब ये बी टू है, ये बी थ्री है, ये हम आपके पास बाइनोमियल ही बन गई।